तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। अब दोबारा सत्ता में आने के बाद माना जा रहा था कि 5 साल सत्ता चला चुके योगी के लिए दूसरा कार्यकाल आसान होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर रोज एक नई चुनौती का सामना करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी कामयाबियां गिना रहा है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान के दौरान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर कई बड़े गंभीर सवाल दाग दिए। यहां तक कि अखिलेश ने 100 दिन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर 100 दिन में यूपी सरकार ने क्या काम किया है, क्योंकि सूबे में भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है। इस मौके पर उन्होंने सरकार की शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना डिप्टी सीएम को पता चले तबादले हो रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार में कुछ ताकतें हैं जो पीछे से सरकार चला रही हैं। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए, और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है, और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को